पिछले 15 महीने से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उनकी केंद्र सरकार की सारी एजेंसियां, उन एजेंसियों के 500 से ज्यादा अफसर तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले की जांच कर रहे हैं। इस जांच में ईडी और सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर 15 महीने से लगाए हुए हैं। इन 500 से ज्यादा अफसरों ने हजारों जगह रेड करी, हजारों जगह छापे मारे, लेकिन 15 महीने बाद भी एक रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत ये एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी, उनकी केंद्र सरकार ना कोर्ट के सामने रख पाई है, ना देश के सामने रख पाई है। पहले इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे छापा मारा, उनको वहां से कुछ नहीं मिला। उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के लॉकर में छापा मारा, वहां से कुछ नहीं मिला। उनके ऑफिस में छापा मारा, वहां से कुछ नहीं मिला। उनके पैतृक गांव में छापा मारा, वहां से भी कुछ नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबूत की तो जरूरत नहीं है। एक रुपए के भ्रष्टाचार के सबूत के बिना उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया। और अब फिर से यही कहानी संजय सिंह जी के साथ गढ़ी जा रही है। कल ईडी वाले संजय जी के घर आए, 8 घंटे तक उनके घर में रहे, 8 घंटे तक एक 4 कमरे के घर पर छापा मारते रहे, घर का एक एक हिस्सा छान लिया, एक एक अलमारी देख ली, किचन देख लिया, बेडरूम देख लिया, स्टोर रूम देख लिया, ड्राइंग रूम देख लिया, लेकिन कोई भी पैसा उनको नहीं मिल पाया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देना चाहती हूं। उनके सारे प्रवक्ता जो टीवी पे आके झूठे आरोप लगाते हैं, उनको चैलेंज देना चाहती हूं कि आप संजय सिंह के घर से अगर एक रुपया भी उनको भ्रष्टाचार का मिला हो तो देश के सामने उसका सबूत रखें, और अगर नहीं रख सकते हैं तो अपनी राजनीति छोड़ दें। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अभी तो आपने संजय सिंह जी के घर पर रेड किया है, उनके घर पर छापा मारा है। मैं उनको न्योता देना चाहती हूं कि अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके पैतृक घर में भी भेजिए, और अपनी ईडी को, अपनी सीबीआई को उनके बैंक के लॉकर में भी भेजिए, देश के हर उस हिस्से में भेजिए जहां पर संजय सिंह गए हैं, और वहां पे हर जगह भेजने के बाद भी मैं चैलेंज दे रही हूं कि उनको भ्रष्टाचार का एक पैसा भी नहीं मिलेगा।